हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का दूसरा पाठ ललध्यध के वाक लेकर के। बच्चों, ललध्यध आपने नाम शायद पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इनको लिया गया है। तो एनसीईआरटी की बुक में ये जो कवयित्री दी गई है, ये कश्मीर की प्रमुख कवयित्रियों में मानी जाती है। जैसे हमारे हिंदी साहित्य के अंदर कबीरदास जी का महत्व है, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य के अंदर जो ललध्यध है, इनका बहुत महत्व है। इनको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे लला लल योगेश्वरी और लला रिफा आदि, इनके बहुत सारे नाम थे। इनका जन्म सन 1320 में कश्मीर के पंपोर नामक गांव में हुआ था, जो कि श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इनका विवाह पंपोर के ही ब्राह्मण परिवार के एक सोम पंडित थे, उनसे हुआ था। और ये अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। इनको लगता था कि सांसारिक जीवन जो है, या सांसारिक जो रिश्ते होते हैं, वो सब मोह माया है। जैसे कबीर दास जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था, ऐसे ही इन्होंने भी निर्गुण ब्रह्म को माना था और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी। कहा जाता है कि इन्होंने भी धर्म के जो धार्मिक आडंबर थे, उनका भरपूर विरोध किया था। और इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, इन्होंने जो छंद लिखा उसे वाक् कहा गया, उसके माध्यम से इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया था। पढ़ते हैं इनके बारे में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललध्यध का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललध्यध को ललेश्वरी, लला लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललध्यध की काव्य शैली को वाक् कहा जाता है। वाक् का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललध्यध के वाक् प्रसिद्ध है। अपने वाक्ों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। संकीर्णताएं मतलब उसको लेकर के छोटी सोच, धर्म को लेकर के जो छोटी सोच लोग रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया और ऐसा मार्ग खोजा जिससे सीधा का सीधा जुड़ाव ईश्वर से हो, परमात्मा से हो। ठीक है, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्यध की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने वाक के अंदर लौकिक भाषा का प्रयोग किया है। लौकिक भाषा मतलब उस समय सामान्य बोलचाल में जो भाषा काम में आती थी, उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि ये 14वीं सदी की थी बच्चों। तो 14वीं सदी में जो भाषा जनता की बातचीत में काम आती थी, जनता की सामान्य बोलचाल में काम आती थी, उसी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने वाक के अंदर किया है। यही कारण है कि ललध्यध की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वह आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। ठीक है, अब जो आपके पाठ्य पुस्तक में इनके वाक दिए हुए हैं, उनके अंदर क्या बताया गया है देखो। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्यध के चार वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन कालों के बारे में आप जान सके, अर्थात ये जो विभाजन है इसको आप जान सके, इनके कवियों के बारे में जान सके और ऐसा क्यों हुआ, इन चीजों के बारे में आप जान सके, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में इन कवियों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई उस समय में कि कवियों को उससे संबंधित काव्य लिखना पड़ा? तो भक्ति काल के अंदर हमारी जनता जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम आक्रमणों से, या जो बाहरी आक्रमण थे, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से इतनी ज्यादा कठिनाइयों के सामना कर रही थी कि उनमें संचार की आवश्यकता थी, उनका ईश्वर पर से भरोसा उठने लगा था, ऐसी परिस्थितियां समाज में हो गई थी। तो उनका विश्वास दोबारा से भगवान के प्रति जगाने के लिए उस समय भक्तिकालीन काव्य लिखे गए, ताकि उनका विश्वास दोबारा लौट सके।
तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी, सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत लिखा था, रसखान ने जो सवैये लिखे थे, सारे के सारे उस भक्ति काल के ही लिखे गए, ताकि अपने काव्य के माध्यम से वो जनता में उत्साह पैदा कर सके, जनता में भक्ति पैदा कर सके, ताकि ईश्वर पे उनका विश्वास बना रहे। तो इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में ललित देव को भी शामिल किया गया है, ताकि आप उनके बारे में जान सके, उनके काव्य के बारे में जान सके। पहले वाक में ललित देव ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, यानी कि उन्होंने ऐसे मतलब व्यर्थ में प्रयास किए, वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए वो सारे के सारे निरर्थक रहे, ऐसा वो बता रही है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अगर आपका मन साफ है, अगर आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है, किसी प्रकार की आप में पाखंडता नहीं है, अहम नाम की कोई चीज आपके मन में नहीं है, तो आप आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके मन में अहम है, आपके मन में घमंड है, तो आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, अर्थात सांसारिक मोह माया में व्यक्ति को कम से कम पड़ना चाहिए। तीसरे का वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है, वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म यानी अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित देव ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। आपके जो ललित देव शामिल किए गए पाठ्यक्रम में, इनका अनुवाद किसने किया है? मीरा कांत जी ने करा है। बच्चों, हम वाक पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि उसका अर्थ क्या होता है और कैसे उन्होंने अपने अपने जो काव्य है उसके अंदर उसका प्रयोग किया है। देखो, वाक आपके सिलेबस में है, वाक है, तो वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाणी, शब्द या कथन, यह चार पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गैर रचना है। जैसे छंद हमारे हिंदी साहित्य में होते हैं, हिंदी में काव्य शास्त्र में तो छंद होते हैं, जैसे तुलसीदास जी के में दोहा और चौपाई शैली में है, ठीक है, रहीमदास जी के दोहे हैं, तो ऐसे ही छंद के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो कश्मीरी साहित्य में चार चरणों वाली एक छंद होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। कच्चे सकोरे यानी कि स्वाभाविक रूप से कमजोर, रस्सी कच्चे धागे की यानी कमजोर और नाशवान सहारे, नाव यानी जीवन रूपी नाव, सम यानी कि अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। बाह्य इंद्रिया कौन सी है? हमारी आंख, नाक, मुंह, जीभ, हमारी स्किन, ये सब क्या होती है? बाह्य इंद्रियां होती है। समभावी यानी समानता की भावना, खुलेगी साकल बंद द्वार की यानी चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छदमों के रास्ते पर चलती रही, यानी कभी भी अच्छे कार्य नहीं करे, हमेशा गलत कामों की ओर अग्रसर हुई। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पल, बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो साधु संन्यासी होते हैं या जो योग की जो साधना होती है, उस साधना के अंदर हमारी नाड़ियां होती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम में अगर आध्यात्म की भाषा में आप देखो तो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि मेन नाड़ी मानी जाती है हमारी बॉडी की। तो उसी नाड़ी के यहाँ पर ये लेखिका कवयित्री बात कर रही है। हट योग में शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी होती है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्म रंध्र में स्थित होती है। हमारी नासिका का जो मध्य भाग होता है, ये वाला, यहाँ पर ये उपस्थित होती है। जेब टटोली यानी कि आत्म अवलोचन किया, यानी अपने आप को अंदर से देखा। कौड़ी ना पाई यानी कि कुछ भी प्राप्त ना हुआ। माझी, इसमें ईश्वर, गुरु या जो समुद्र को पार ले जाता है, नाव से पार ले जाता है, उसे मल्लाहा वो होता है, नाविक। उतराई यानी कि सद्कर्म रूपी मेहनताना, जब हम नाव में बैठ करके जाएंगे तो उस नाविक को कुछ ना कुछ उतराई तो दोगे ना, वो चीज। थल थल यानी कि सर्वत्र हर जगह पर, शिव यानी कि ईश्वर और साहिब यानी स्वामी या ईश्वर। आपने शब्दार्थ तो पढ़ी लिया, चलो अब हम इनके वाक देखते हैं। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब यहाँ पर जो कवयित्री है ये कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात सांसारिक मोह माया और जो बंधन होते हैं, वो बंधन कैसे होते हैं? कच्चे धागे की जैसे होते हैं। कच्चे धागे की हुई रस्सी है जिससे ये पकड़, जिसे इन्होंने पकड़ रखा है, खींच रही मिनाम, और उसी धागे के माध्यम से, उसी रस्सी के माध्यम से ये संसार के भवसागर से पार जाना चाहती है।
जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। यानी जो ये प्रयास कर रही है भव सागर से, यानी इस सांसारिक मोहमाया से दूर जाने का जो ये प्रयास कर रही है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो ये प्रयास कर रही है, वो किसके माध्यम से कर रही है? एक रस्सी के कच्चे धागे से कर रही है, और उस कच्चे धागों को वो खींच रही है। पता नहीं भगवान कब मेरी मनोकामना सुन ले और कब वो मुझे इस भवसागर से पार कर दे। ये मनोकामना कर रही है कि मैं इस रस्सी, जो इस कच्चे धागे की रस्सी को पकड़ करके इस नाव से इस भवसागर को पार कर रही हूँ। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस भवसागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे। अब यहाँ पर बच्चों, सकोरा जो होता है, एक मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है जिसके अंदर आप पानी डालते हो, तो वो जब तक उस पानी को सोखता है तब तक तो सोखता है, लेकिन जब उसका सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है तो उसमें से पानी टपकने लग जाता है। वो उस क्षमता के अकॉर्डिंग पानी एब्जॉर्ब करेगा, उसको अवशोषित करेगा, उसके बाद में पानी उससे निकलता है और टपकने लग जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि मैंने जीवन में जितने भी प्रयास करें, वो प्रयास कैसे रहे? पानी के कच्चे सकोरे के जैसे रहे। अर्थात मैंने इतने सारे प्रयास किए, उन प्रयास मेरे व्यर्थ गए, क्योंकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, मेरा जीवन सफल नहीं हुआ, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, सारे के सारे मेरे जो प्रयास थे वो व्यर्थ जा रहे हैं। जी मैं उठती रह रहे हूँ घर जाने की जहाँ मेरी, यानी ये कहनी कि मैंने इतने प्रयास किए, इतने प्रयास किए, मेरे मन में रह रह करके ये वेदना उठ रही है, ये व्याकुलता हो रही है कि अब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। मैं जिस ईश्वर के पास जाना चाहती हूँ, परमात्मा के पास मैं जाना चाहती हूँ, वो परमात्मा मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के मेरे मन में वेदना उठ रही है, पीड़ा हो रही है उनको कि क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे और मुझे अपने पास नहीं बुला रहे। नेक्स्ट है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। अब यहाँ पर कवयित्री ने क्या बताया कि जब हम हमारी इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं, अर्थात हमारी इंद्रियों पर हमारा वश होता है, या हमारी इंद्रियों का हम कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो हम अहंकारी बन जाते हैं कि हाँ हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक चीज तो वो। दूसरी ये, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि जीवन आपने अगर खाने खाने में व्यतीत कर दिया, यानी अपनी आवश्यकता को ही पूरा करने में निकाल दिया, तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो दो चीजें यहाँ पर कवयित्री ने बताई है। पहली चीज तो ये कि अगर आप जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते रह जाओगे तो भी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश करने पर आपके मन में अहंकार आ गया, तो भी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। सम खा तभी होगा संभावी, कि आपको प्रत्येक अवस्था में समायोजन बना के रखना होगा, समान अवस्था में रहना होगा, अपनी इंद्रियों को समभाव में रखना होगा, तभी आप संभावी हो सकते हो, खुलेगी सांकल बंद द्वार के। और जब आप में ये समायोजन आ जाएगा, अपनी इंद्रियों को संतुलन करना आ जाएगा, तो आपके लिए जो भगवान के द्वार बंद है उसकी सांकल, यानी उसकी जो कुंडी है, वो अपने आप खुल जाएगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। अब यहाँ पे कवित्री बता रही है, इनके जीवन, जब इनका जन्म हुआ था, तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें किसी प्रकार का छल, किसी प्रकार का कपट या किसी भी तरह की बुराई नहीं होती है, लेकिन जब वो वातावरण में आता है, इस सांसारिकता को देखता है, तो उसके अंदर छल भी आ जाता है, उसमें कपट भी आ जाता है, अर्थात उसमें दुर्गुण और सद्गुण दोनों का विकास होता है। अब यहाँ पे कवयित्री ये बता रही है कि जब मैं आई थी तो मुझ में छल नाम की कोई चीज नहीं थी, दुर्गुण नाम की कोई चीज नहीं थी, गई ना सीधी राह, लेकिन जब मेरा जाने का समय आया है तब मुझ में इतने सारे दुर्गुण आ गए हैं, मुझ में इतने सारे छल छद्म आ गए हैं कि अब मैं उस जैसी नहीं रही। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, और ये कह रही है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी के केंद्र पर खड़ी थी, यानी कि आपको अगर पार जाना है, आपको अगर किसी नदी को पार करना है या किसी सागर को पार करना है, तो आप किसके माध्यम से करोगे? या तो नाव के माध्यम से, और अगर नाव नहीं है तो उस पर पुल बना हुआ होता है, पुल के माध्यम से उसको पार करते हैं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो है यहाँ पे पुल का काम कर रही है, और ये इस पुल पर खड़ी है, इनको सारा दिन हो गया उस पर खड़े हुए, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर के आने से, मतलब ये जब ये सोच रही है कि ईश्वर नहीं आए अभी तक, उससे पहले इन्होंने अपनी जेब टटोली, जेब टटोली मतलब इन्होंने अपने अंतर्मन में झांक करके देखा, अपने मन में झांक करके देखा कि कौड़ी ना पाए, कि मेरे मेरे जो भाग्य, यानी मेरी जो जेब है, यानी मेरा जो पूरा का पूरा जीवन है, इस जीवन में मेरे सत्य कर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। कौड़ी ना पाए का मतलब यहाँ पे यही है कि कोई भी अच्छा कार्य मैंने जीवन में नहीं किया,
माझी कूदू क्या उतरा है, जब परम पिता परमेश्वर मुझे लेने आएंगे, जब वो नदी पार कराने वाले माझी जब आएंगे, तो मैं उनको क्या उतराई दूंगी। वो मुझसे मुझसे लेखा जोखा मांगेंगे कि तूने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए जिससे मैं तुझे भवसागर से पार ले जाऊं। तो यहाँ पे कवित्र क्या बता रही है बच्चों, यही बता रही है कि जीवन में जब आते हैं तो हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं होता है, कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे उस जाने पर सारा लेखा जोखा अच्छे और बुरे कर्मों का ईश्वर रखता है और उसी के अनुसार वो अपने पास बुलाता है। देखो अब इनका अंतिम वाक्य क्या है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि थल थल में यानी किसी भी चीज में, मतलब प्रत्येक स्थान में कौन बसता है, शिव बसता है अर्थात ईश्वर बसता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। फिर तुम भेद क्यों करते हो, क्यों ये असमानता के भाव रखते हो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि हर जगह प्रत्येक स्थान में प्रत्येक कण कण में कितना किसका निवास होता है, शिव का अर्थात ईश्वर का निवास होता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप सचमुच ज्ञानी हो, अगर आप सचमुच जानकार हो इन चीजों के, तो सबसे पहले स्वयं को झांक कर देखो कि आप कितने ज्ञानी हो या आप कितने परमात्मा से मिले हुए हो। अगर आप सच्चे ज्ञानी हो तो आपको अपने आप वो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अपने अंतर्मन में झांक के देखो कि आप कितने सही हो, आप कितने अच्छे गुणों वाले हो, आप कितने सद्गुणों वाले हो। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आप में कितने सद्गुण हैं, आप कितना परमपिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको अपने आप ही उस साहिब की पहचान हो जाएगी, अपने आप ही उस ईश्वर की पहचान हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा ललध्यत कवयित्री, जो कि कश्मीरी साहित्य की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है, जो स्थान हमारे हिंदी साहित्य में मीराबाई को प्राप्त है, जो स्थान हमारे साहित्य में महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान जी को प्राप्त है, वही स्थान कश्मीरी साहित्य के अंदर ललध्यत जी को प्राप्त है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।